नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है फ्लैट फुट, या फिर जिसे आमतौर पर फ्लैट फिट, या फिर जो टेक्निकल वर्ड में प्लेस प्लानिस के नाम पे जाना जाता है। तो फ्लैट फुट क्यों होता है, क्या इसके मतलब कितने प्रकार के होते हैं फ्लैट फुट, और क्या इसके प्रिवेंशन है और इसके क्योर है या नहीं है, पूरे डिटेल में बात करेंगे। और आखिरी में जाकर मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसमें आपका जो फ्लैट फिट का समस्या है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो, थोड़ा सा जो पेन ज़्यादा होता है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा जो एक्सरसाइज बताऊंगा आपको आखिरी में जाकर, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जो फ्लैट फुट होता है वो बेसिकली एक कोई डिजीज नहीं है, वो बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा जो फीट का जो आर्क वाला हिस्सा है वो किसी कारण डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है उस जो हमारा जो फीट का जो पेड वाला हिस्सा है वो डायरेक्ट जाके फ्लोर पे लगता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैट फुट या फिर फ्लैट फिट, ठीक है। तो इस ये जो होने का इसका कारण क्या है, तो जनरली अगर आपका आपके जेनेटिक्स में फ्लैट फुट का समस्या है तो आपको भी आपका जो जेनेटिक्स है वो कैरी करके, अगर आपका पिताजी को है या फिर आपके एंसेस्टर में कोई फ्लैट फिट का समस्या फेस किया हो तो आपका भी हो सकता है। और दो जो मेन रीज़न है वो ये है, जो हमारा जो टेंडन टिश्यू रहता है जो कि हमारा मसल को बोन के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है या फिर जुड़े रहने में मदद करता है, वो अगर किसी कारण वो जो आर्क वाला हिस्सा है उसमें अगर ब्रेक हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए तो वो जो फ्लैट फिट का समस्या देखने को मिलता है। और एक जो मेन रीज़न है वो है लिगामेंट का टियर हो जाना। तो लिगामेंट जो है वो हम आम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा जो घुटना वाला हिस्सा है उसके साइड वाले हिस्से को हम लिगामेंट आम तौर पर हम जानते हैं, लेकिन लिगामेंट खाली वहाँ पर नहीं रहता, ठीक है। लिगामेंट एक टिश्यू है, एक टफ इलास्टिक टिश्यू है जो कि हमारे जो जॉइंट है वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और फ्लेक्सिबली वो मूवमेंट कर पाए, वो उसका ध्यान रखता है, ठीक है। और वो जो टिश्यू है वो हमारे जितने भी मेजर जॉइंट है जैसे कि एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, या फिर हमारा घुटना हो गया, या जो एंकल वाला हिस्सा हो गया, हर जगह रहता है। अगर वो किसी कारण जो आर्क वाले हिस्से में फिट का ब्रेक हो जाए या फिर टियर हो जाए तो भी आपका फ्लैट फिट का समस्या देखने को मिलता है। तो जनरली ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आम तौर पर लोगों में देखा गया है चार प्रकार के फ्लैट फुट की समस्या। तो पहला जो है वो है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट। ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये इतना पेनफुल नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो आर्क वाला हिस्सा है वो डेवलपमेंट होता है, वो दिखता भी है जब आदमी बैठा रहता है या फिर पैर को ऊपर रखता है, लेकिन जब वो चलने के लिए अपना पैर नीचे रखता है तब वो आर्क वाला हिस्सा इनविजिबल होता है या फिर वो पूरा जो पेड़ वाला हिस्सा है फीट का वो फ्लोर पे लगता है। तो ये इतना पेनफुल नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ लोगों में ये वाला भी पेनफुल होता है। और जो दूसरा वाला फ्लैट फिट का समस्या है वो है रिजिड फ्लैट फुट। ये वाला जो कंडीशन है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्या है कि हमारा जो फीट का पेड़ वाला हिस्सा है ये पूरा फ्लैट रहता है ये वाला कंडीशन में, जिसके कारण आदमी जब चलता है या फिर साइड में मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है, और एज के साथ साथ ये वाला जो पेन है वो थोड़ा बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है थोड़ा सा पेनफुल देखा गया है, बहुत लोगों को पेन होता है इसमें। जो तीसरा वाला फ्लैट फुट का कंडीशन है ये थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है कि ये जो है इसको कहते हैं एडल्ट एक्वायर्ड या फिर फालन आर्क। तो इसमें क्या होता है, किसी किसी का फ्लैट फुट बचपन से नहीं रहता, उसमें क्या होता है कि एडल्ट होता है या फिर बाद में जाकर जब बच्चा बड़ा होता है तब जो आर्क वाला हिस्सा है वो अगर किसी कारण उसका जो पोस्टेरियर टेंडन टिबियल वाला टिश्यू है जो कि टेंडन टिश्यू जैसा है वो, और या फिर वो जो लिगामेंट वाला टिश्यू है आर्क में वो अगर किसी कारण टियर हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए या फिर जो टेंडन वाला डिसफंक्शन हो जाए टिश्यू, तो फिर जो पैर में जो ये डिसफंक्शन हो जाता है या फिर टियर हो जाता है वो पर्टिकुलर जो पैर है वो फ्लैट फुट का समस्या उस पैर में देखने को मिलता है। और ये वाला ऐसा हो सकता है कि किसी किसी में एक पैर ऐसा हो जिसका फ्लैट फुट हो, या फिर दोनों पैर अगर इंजरी हो जाए तो दोनों पैर भी हो सकता है।
तो चौथा जो फ्लैट फुट का समस्या है वो है वर्टिकल टेलस। वर्टिकल टेलस वाला जो फ्लैट फुट का समस्या है, इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल टेलस वाला बोन है जो कि हमारा एंकल में रहता है, वो अगर किसी कारण ठीक से डेवलपमेंट ना हो, बच्चा जब पैदा होता है, या फिर अगर जो वर्टिकल टेलस वाला जो बोन है वो किसी कारण अलग जगह पे डेवलप हो जाए, तो फिर ये वाला समस्या देखने को मिलता है। तो इसके जो प्रिवेंशन वो क्या है, तो इसके ऐसा जैसे कुछ प्रिवेंशन ऐसे है नहीं कुछ, लेकिन जैसे कि मैं अभी वीडियो में चला रहा हूँ ये वाला वीडियो, कि आप एक टेनिस बॉल ले सकते हो और जो आप हमारा जो आर्क वाला हिस्सा है उसके ऊपर रख के आपका जो पैर को थोड़ा सा रोल ऐसे कर सकते हो, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। और एक एक्सरसाइज जो है वो है, आप एक टर्किस लो, एक रूमाल जैसा टर्किस लो, जिसको आपके जो उंगलियों के हिस्से में पकड़ के थोड़ा सा एड़ी की तरफ खींचने की कोशिश करो, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हो। या फिर आपके जो उंगलियों को थोड़ा सा एड़ी की तरफ मोड़ने का एक्सरसाइजेस करना है, या फिर दो तीन एक्सरसाइजेस मैं ये अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वाला भी आप कर सकते हो, जिसके मदद से आपका जो फ्लैट फिट का जो पेन है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा करने से क्योर नहीं हो जाएगा, और इसका ऐसे कुछ पर्टिकुलर क्योर नहीं है। सर्जरी एक हो सकता है, सर्जरी करके आप इससे क्योर कर सकते हो, लेकिन इसके भी कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए हैं। और अभी मार्केट में जो ये स्ट्रेटजी चला है कि हमारा ये प्रोडक्ट खरीद लो, हमारा वो प्रोडक्ट खरीद लो, आपका फ्लैट फिट का समस्या पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ये सब चक्करों में ना पड़े। आपको अगर पेन है तो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसा कुछ प्रोडक्ट है नहीं जिसके मदद से आपका जो फ्लैट फुट का समस्या है वो उसका समाधान किया जा सकता है। आपका अगर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, अनबियरेबल है, आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हो, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर का जो राय होगा या जो सजेशन होंगे उसके ऊपर आप अमल करके थोड़ा सा फिट का ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।